हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, नवरात्र शुरू होने वाले हैं, तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए तो रेसिपी की ओर चलते हैं। तो आज की रेसिपी है साबूदाना पुलाव। व्रत के लिए साबूदाना बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत हेल्दी होता है साबूदाना। तो आज मैं बना रही हूँ साबूदाना पुलाव। और अगर आप व्रत में एक बार साबूदाना से बनने वाली कोई भी डिश खा लेते हैं तो जल्दी से व्रत में भूख नहीं लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं साबूदाना पुलाव। साबूदाना पुलाव बनाने के लिए मैंने आधा कप साबूदाना लिया है, जिसको मैंने 1.5 कप पानी में 3 घंटे पहले भिगो लिया था। इसके बाद में मैंने 2 से 3 बार साफ़ पानी में साबूदाना को धुल लिया है। तो हमारा बिल्कुल साफ हो चुका है साबूदाना। अब इसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ कि साबूदाना कितने अच्छे से फूल गया है। इसके अंदर कोई भी लम्ब्स नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा खिला खिला बना है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी लम्ब्स नहीं है। और मैं आपको स्पून से भी दिखा देती हूँ कि अभी भी ये कितना खिला खिला है। तो ये वाला प्रोसेस आपको पुलाव बनाने से पहले पूरा करना है। तो चलिए पुलाव बनाने स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक पैन ले लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा। जब पैन गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच देसी घी। आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होता है या घी गर्म होता है, 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून हम क्रश की हुई काली मिर्च ऐड करेंगे और इनको हम 30 सेकंड्स के लिए सोटे कर लेंगे। अब 30 सेकंड्स के बाद में हम कच्ची मूंगफली दाना ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 स्मॉल साइज का उबला हुआ आलू स्क्वायर शेप में कटा हुआ वो भी ऐड कर देंगे। अब इनको हमें सोटे करना है 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अब 3 से 4 मिनट के बाद में मूंगफली दाना और आलू अच्छे से भुन चुके हैं, तो अब हम ऐड करेंगे साबूदाना जो हमने भिगो कर रखा था, और ऐड करेंगे हरी मिर्च। 1 हरी मिर्च ले रही हूँ मैं बारीक कटी हुई, आप 2 भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, उसमें से हम आधा बचा लेंगे, बाद में ऐड करेंगे। सेंधा नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहे तो मूंगफली दाने की जगह आप ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे काजू, बादाम, किशमिश का भी यूज़ कर सकते हैं। और बॉयल आलू की जगह आप यूज़ कर सकते हैं सब्जियां जो भी आपको पसंद है, जैसे कैप्सिकम है, गाजर है, मटर है, वो सब आप ऐड कर सकते हैं। अब मिक्स करने के बाद में हमें इसको कुक करना है, तो ज़्यादा कुक नहीं करना है। पैन को कवर कर देंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब 2 मिनट के बाद में हम पैन का ढक्कन हटाएंगे और साबूदाना पुलाव को चेक करेंगे। और इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट तक ही कुक करना है। तो गैस ऑफ कर देते हैं और हमारा पुलाव तैयार है। अब लास्ट में हम इसमें हरा धनिया जो हमने बचा कर रखा था वो ऐड कर देंगे और आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो नींबू का रस स्किप कर सकते हैं, पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हम इस साबूदाना पुलाव को सर्व कर लेते हैं एक बाउल के अंदर। तो ये लीजिए, हमारा गरम गरम साबूदाना पुलाव बनकर तैयार है। और आप इसको व्रत में ट्राई कर सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। सो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।